हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ मैथ के क्वेश्चंस मिले हैं तो मैं वो लेके आ गया हूं, आप देख लेना कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम है तो क्वेश्चन निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी किसी भी बच्चे से कनेक्शन भी नहीं बन पाया, अभी तक कोई भेज नहीं पा रहा है क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप नीचे दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर जिसका भी एग्जाम हो भाई क्वेश्चन भेज दिया करो। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा मैं नीचे ही, उस पर भी आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। और इसके बाद मैं इसी वीडियो में आपके जो आज के जीके के क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस कर लेंगे। इस पहले मैथ के क्वेश्चंस देख लेते हैं। और दोस्तों, जो भी पहली बार वीडियो देख रहा है तो हमारे चैनल के साथ बनने के लिए, जुड़ने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा करके घंटी का आइकन को ऑन कर ले, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर सकें। एक विक्रेता ने 1200 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, विक्रेता विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों, अगर 100 रुपये 100% की चीज़ है सीपी, उसे 110 में बेचा, तो 1200 रुपये का वैल्यू जो होगी आपकी 100% की होगी, और उसे बेच दिया 110 में, यानी कि 10% के प्रॉफिट पे, तो उसका वह पूछा है विक्रय मूल्य उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो हम लिख लेंगे इसको ऐसे ही, 1200 भाग कर देंगे 100 से और गुणा कर देंगे 110 से, तो कितना आ जाएगा, ये कट जाएगी 0 से 0, तो 120 गुणा 11, ये 1320 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ये बड़ा सा आसान आसान सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और पता चला है, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% हानि उठाता है, तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी सीपी का 100% है और उसे हानि पे बेचता है 20% की, यानी कि उसे 80% पे वो बेच देता है। अब बोल रहे हैं अगर वो 20% लाभ कमाना है तो कितने पे बेचे, यानी कि 100 में 20 प्लस कर दें, 120 कर दें, अब कितने में बेचे उसे, तो 480 का मैं पता चला है, पता चली गया है कि कितने का 80% में उसने बेच दिया है। 480 रुपये की चीज़ को उसने 20% के हानि से बेच दिया, तो 80% की उसकी वैल्यू बच गई, और अब उस पर लाभ कमाना है 20%, यानी कि 120 की गुणा कर देंगे 100 में प्लस 20, 120 की गुणा कर देंगे तो 720 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन था, डिजिट सेम नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा पता चल रहा है भाई ऐसे क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी। ए 15 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, और सी 20 दिन में कर देता है। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा बताया कि इसमें ए छोड़ देता है 5 दिन बाद कार्य को, तो 5 दिन तक तो तीनों करेंगे। सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जो आता है वो टोटल कार्य आ जाता है। ठीक है, मैंने अपनी पहली वीडियो में सब कुछ बता रखा है, तो अभी डिस्कस नहीं कर सकते, मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप जिस भी मेथड से करते होंगे उससे कर लेना, अगर ये मेथड अच्छा लगे तो इससे कर लेना। सबसे पहले लिख लेते हैं तीनों का काम, उनका एलसीएम ले लेते हैं, वो टोटल कार्य आ जाता है। 15 से इसको भाग करेंगे तो एक दिन का ए का कार्य आ जाएगा, बी का ऐसे ही कार्य आ जाएगा, और सी का भी एक दिन का कार्य आ जाएगा। तीनों को प्लस कर लेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 5 दिन तक तीनों कार्य करते हैं, तो 45 कार्य तो तीनों मिलकर करते हैं। 45 60 में से माइनस कर देंगे, 15 कार्य बच गया। अब ए छोड़ के चला जाता है, बी और सी कार्य करते हैं बचे हुए कार्य को, 3 2 5, ये इसको बचे हुए कार्य को पूछा था कितने दिन में कर देंगे, तो 3 3 दिन में, 3 डेज में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन से कुछ जीके के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आज के पूछा था भारत का संविधान कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हो गया था, मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया गया था, पर जो लागू हुआ था वो होता 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा, इंग्लैंड में, और 2023 का इंडिया में ही होगा। सबसे अंत में भारत रत्न किसको मिला, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था। खून का थक्का कौन से विटामिन से जमता है, यही होगा इसका, विटामिन के से। बैरोमीटर की खोज किसने की थी, ई टोरसेली ने की थी। सोलर सिस्टम में बुध का स्थान कौन से स्थान पर होता है, पहले पर, यानी कि मरकरी जो होती है वो सबसे पहले पर होती है। संसद में कितने सदन होते हैं, दोस्तों बड़ा ही सा क्वेश्चन था, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, 2 सदन होते हैं। अमलगम में मुख्य तत्व कौन सा है, मरकरी। मरकरी को दूसरे नाम से, सॉरी, म्यांमार को दूसरे नाम से जाना जाता है, बर्मा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, और अगर किसी को भी पीडीएफ चाहिए या इंग्लिश में पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम के ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, और एक भी वीडियो मिस ना करे, ताकि मैं हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जितने भी क्वेश्चन मिलते जाए आपको प्रोवाइड कराता जाऊँ। धन्यवाद।